स्वागत है आप सारे भाइयों का मेरे इस नए धमाकेदार वीडियो में। मेरे भाइयों, सर्दियां खत्म होने ही वाली है, लगभग 2 महीने बचे हैं और इन 2 महीने में आप चाहो तो 2-3-4 केजी तक भी वेट गेन आराम से कर सकते हो। मैं आपको कोई सपने नहीं दिखा रहा हूं बड़े बड़े, अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप ढंग से चलोगे जैसे मैं बता रहा हूं, आप लोग बहुत ही बढ़िया अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। देखो क्या होता है कि मसल बिल्डिंग करना ना कोई आसान बात नहीं है और कोई मुश्किल बात भी नहीं है, सारा खेल होता है प्रॉपर गाइडेंस का। भाइयों, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं और अगर आप लोग फॉलो करते हो ना इन चीजों को, ट्रस्ट मी भाइयों, आपको जरूर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं इनको फॉलो करो, 2 महीने 110% आपका कुछ ना कुछ वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली चीज आती है भाइयों, वो है वर्कआउट। अब देखो ठंड का टाइम चल रहा है, इस टाइम हमारा पे प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट हमारे क्या है, पसीना नहीं आता, चिड़चिड़ापन नहीं होता, अगल बगल से भाइयों अच्छी वाइब्स आती है, ऐसा नहीं होता बदबू आ रही है यार से बेंच गंदी कर दी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लॉन्ग वर्कआउट भी आराम से कर सकते हैं 1 से 1.5 घंटे तक। गर्मियों में नहीं हो पाता, गर्मियों में इतनी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट क्यों नहीं कर पाते, प्यास लगने लग जाती है, पसीना ज्यादा आने लगता है, चिपचिपापन ज्यादा होता है, बॉडी स्मेल ज्यादा आ जाती है। सो भाइयों, ठंड में ये हम पे प्लस पॉइंट है कि आप अपना जो भी वर्कआउट कर रहे हो, ब्रो स्प्लिट कर रहे हो, पुश पुल लेग्स कर रहे हो, डबल मसल कर रहे हो, जो आपको मन करे वो आप करो। लेकिन अब इन 2 महीनों में ना आप लोग अपनी लिफ्ट बढ़ा दो, आप लोग अपनी लिफ्ट बढ़ाओ, चाहे आप लोगों को सपोर्ट लेना पड़े आप अपनी लिफ्टिंग बढ़ा दो। आप अगर डंबल प्रेस मार रहे हो 40 केजी से 30 केजी से, आप 35 केजी कर दो, 45 केजी कर दो, लेकिन आप बढ़ाओ। अब ये वक्त आ चुका है कि इस टाइम आपको अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी है, अपने आप लोगों को जितना भी आप पहले वेट मार रहे हो उससे ज्यादा वेट मारना शुरू करना है। चाहे आप लोग सपोर्ट ले लो पीछे से, लेकिन हर एक एक्सरसाइज में, हर एक सेट में आपको कुछ ना कुछ वेट जरूर बढ़ाना है। ये अगर आप लोग नहीं करोगे तो आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, मेरी बात याद रखना। आप लोग अगर पहला सेट 10 से मार रहे हो, अब आप 12 से मारो, 15 से मारो, अगर जब तक आप ये स्टार्ट नहीं करोगे ना, आपका वेट गेन, आपका मसल मास कभी नहीं बढ़ेगा। सेकंड जो मेरा पॉइंट आता है भाइयों, वो है आपकी डाइट। देखो भाइयों, डाइट गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आप लोगों को डाइट हमेशा प्रॉपर लेनी पड़ेगी। लेकिन सर्दियों में ना फायदा क्या होता है, बहुत सारे मेरे भाई होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में जैसे कि अंडे चिकन हम ज्यादा नहीं खा पाते। क्यों भाई? गर्मी हो रही है, पेट में पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, बैक में ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी बना रहा है पेट में, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं डाइजेस्ट हो पाता। भाई बात बिल्कुल सही है। और हाँ, गर्मियों में ना भूख भी कम लगती है। क्यों? क्योंकि हम इतना सारा पानी पीते हैं, तो भाई आधा पेट तुम्हारा पानी पी ही भर जाता है। बहुत बेसिक चीज और बहुत ही वैल्यूएबल चीज है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ठंड में ना हम पानी थोड़ा सा कम पीते हैं एज कम्पेयर टू गर्मियों के मुकाबले, हमारा पेट थोड़ा सा खाली रहता है, हम ज्यादा खाना खा सकते हैं, एग्स चिकन फिश ये सब चीजें खा सकते हैं और इससे हमें पिंपल सेकने की भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो भाई यही टाइम है, अब आप थोड़ा सा सरप्लस में और ज्यादा आ जाओ। 2 महीने बस, 2 महीनों के बाद भले ही आप लोग 100-150 कैलोरीज कम कर देना, लेकिन 2 महीने अगर आपको बल्किंग बढ़िया से करनी है, सरप्लस में आ जाओ। सरप्लस में आओगे, अंडे चिकन वगैरह ज्यादा खाओगे, आपकी बॉडी को कैलोरी ज्यादा मिलेगी, प्रोटीन ज्यादा मिलेगा और डायरेक्टली आपका मसल मास धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा और आप साथ में वर्कआउट तो बढ़िया कर ही रहे हो। ये चीज दिमाग आपको लगाना है 2 महीनों में, आज से इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर दो। 2 अंडे खा रहे हो 4 कर दो, 100 ग्राम 50 ग्राम चिकन खा रहे हो 150 या 100 कर दो, ये आपके ऊपर है भाइयों। तीसरी चीज भाइयों, वेजीज। सर्दियों में ना बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाते हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और गर्मियों में चीजें मिसिंग होती है। आप देखो ठंड का टाइम है, संतरे, अमरूद, पालक, चुकंदर, खीरा, गाजर, ये सब चीजें मार्केट में भर भर के मिल रही है और बहुत सस्ता। आप लोग देखोगे कि गाजर का जूस, चुकंदर का जूस आप लोग बहुत ही इजीली पी सकते हो, इनको आप सैलेड बना के खा सकते हो। फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा सस्ते हो जाते हैं, ग्रेप्स वगैरह भी आ जाते हैं। कल ही मैं 100 का 1.5 किलो सेब लेके आया हूँ, 20 का किलो, 10 का किलो हमारा मार्केट से हमें गाजर मिल रहे हैं। इतना सस्ती सस्ती चीजें भाइयों, और वेजीज बहुत ज्यादा जरूरी है आपके डाइजेशन को बढ़िया रखने के लिए। गर्मियों में ये चीजें मिसिंग हो जाती है भाइयों, लेकिन ठंड में आप इन सब चीजों को बहुत आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हो, खा भी सकते हो और इनकी अवेलेबिलिटी भी मार्केट में बहुत आसानी से हो जाती है। सो ये तीसरा पॉइंट आपको जरूर ध्यान देना है। और हाँ भाइयों, इसके पूरे के साथ ना आपको वाटर इनटेक भी बराबर रखना है। मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, ठंड में थोड़ी सी हमें कम प्यास लगती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही पानी नहीं पीना, पानी भी आपको 3-4 लीटर तक जरूर पिए। तो मेरे भाइयों, नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले, लास्ट की जो मास गेनर वाली वीडियो थी ना, उसमें भाई 2-3 भाइयों का कमेंट आया, भाई हमें स्कूल कॉलेज में इतना बजट नहीं है, भाई कोई ऐसा सप्लीमेंट बताओ जो कम बजट में हो,
अच्छे रिजल्ट हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो और हमारी गेनिंग में मदद करे। भाइयों मैंने अपने दोनों भाई जो मेरे आयुष और आदित्य, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में उनके साथ देखते होंगे बहुत बार, तो उन्हें मैंने ये प्रोडक्ट खिलाया और मैंने भी इसे यूज किया भाइयों, वो है गुडुची आयुर्वेदिक गेनिट टैबलेट्स। बेसिकली ये जो टैबलेट है ना, ये प्रॉपर आयुर्वेदिक है, प्रीमियम क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स के अंदर डाले हुए, टेंशन फ्री होकर आप लोग खा सकते हो, कोई भी साइड इफेक्ट इसके नहीं है। क्या है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भाइयों? वही आंवला, गोक्षुरा, शतावर, अश्वगंधा, ये सारे नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब्स टॉप नोच क्वालिटी के हैं भाइयों। कि ये जो प्रोडक्ट है ना, बेसिकली काम कैसे करता है, हमारे डाइजेशन को बढ़िया कर देता है। जब डाइजेशन अच्छा होगा, आप चिकन खाओगे, ओट्स खाओगे, अंडे खाओगे, तो वो ना उसके प्रॉपर न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को मिलेंगे, और जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को मिलेंगे ना, तो आप लोग देखोगे कि ऑटोमेटिक आप जिम में ना स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, आप ज्यादा लिफ्ट कर पाओगे, आपका वेट जल्दी जल्दी गेन होना शुरू हो जाएगा। सारा खेल भाइयों डाइजेशन का ही तो होता है। सो अब मैं आपको बताता हूं इसे लेने का तरीका कैसा है, जो बेस्ट तरीका है। देखो, अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्किनी हो, जैसे आयुष आप लोग जानते हो, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, तो आप लोग दो ना इसे कब लो, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद, और दो आप लोग डिनर या डिनर के बाद या लंच के बाद। कंपनी के बारे में बेफिक्र रहो भाई, गुडुची आयुर्वेदा टॉप नोच कंपनी है, बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाती है, कॉस्मेटिक में भी ये है। सो इस बात की आपको मैं गारंटी देता हूं कि प्रोडक्ट के कोई साइड इफेक्ट नहीं है भाइयों। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाइयों, एक बार यूज जरूर करके देखना, गो एंड चेकआउट। तो मेरे भाइयों लास्ट में सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बल्किंग करने के चक्कर में आपको कुछ भी नहीं खाना, छोले भटूरे, ये क्या बोलते हैं, मोमोज, बर्गर, ये सब चीजें अवॉइड करना। मैं ये भी नहीं कह रहा बिल्कुल छोड़ दो, कभी कभी वीकली आप खा लो जब आपके दोस्तों से एंजॉय वगैरह करने, बर्थडे वगैरह है, लेकिन डेली बेसिस पे इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं खाना। बल्किंग के चक्कर में ज्यादा जल्दी बल्किंग होगी, ये आपकी बॉडी में बैड फैट लेके आएगा और यही डाइजेशन को हमारे खराब करता है। दूसरी चीज भाइयों, ठंड का टाइम है तो ये मत सोचना कि पानी नहीं पीना, पानी भी आपको रेगुलर पीते रहना है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाइयों, आप लोगों ने थोड़ी सी कार्डियो स्किप कर देनी है। अब कार्डियो का मतलब क्या होता है कि जैसे आप ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे हो, ये जॉगिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, बिल्कुल भी कम नहीं करना, लेकिन कम कर देना है। क्यों? क्योंकि भाई आपको गेनिंग करनी है, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं करनी है। कार्डियो आप दिन भर करते ही रहते हो, आप लोग स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल से घर आते हो, कॉलेज जॉब से घर आते हो, जाते हो, ये सब कार्डियो में ही आता है, तो आप लोगों को वहां एक्स्ट्रा कार्डियो करने की जरूरत नहीं है। बस 2 महीने बंद करना, उसके बाद आपका मन करे तो आप ट्रेडमिल वगैरह, साइकिलिंग वगैरह कर लेना। अब सीधा जब भी आप वर्कआउट करने जाओ, सीधा वार्म अप करो और एक्सरसाइज मारना शुरू कर दो। और हो सके दोस्तों ड्यूरिंग वर्कआउट आप लोग थोड़ा सा कुछ भी नींबू पानी या ग्लूकोज वगैरह डाल के पी लेना, काफी अच्छी गेनिंग आपकी होने लगेगी। तो मेरे भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। लव यू ऑल, दुआओं में याद रखना।